हरियाणा में बीजेपी ने सियासी समीकरण सेट कर लिया है। बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में औपचारिक रूप से गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा नहीं करेगी, बल्कि अनौपचारिक रूप से आपसी सहमत के तहत एक सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ सकती है। बीजेपी ने अभी तक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का घोषणा नहीं की है, उनमें फरीदाबाद, NIT, महेंद्रगढ़ और सिरसा विधानसभा सीट शामिल है। सिरसा सीट से गोपाल कांडा मौजूदा विधायक हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और दुष्यंत चौटाला की JJP ने 10 सीटें जीती थी। बीजेपी ने स्थिर सरकार बनाने के लिए JJP के साथ गठबंधन किया और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया था। तब गोपाल कांडा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी और JJP की गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल समर्थन दिया। गोपाल कांडा चाहते थे कि बीजेपी उनके लिए इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटें सिरसा और रानिया छोड़ दे, लेकिन रानिया सीट पर गोपाल कांडा ने धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बाद में बीजेपी ने शीशपाल कांबोज को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी के सामने बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ रणजीत चौटाला भी रानिया सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं और दूसरी ओर गोपाल कांडा की पार्टी से धवल कांडा पहले ही मैदान में है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी ने गोपाल कांडा को संदेश दिया है कि वो उनके खिलाफ सिरसा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन उन्हें रानिया विधानसभा सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार धवल कांडा का नामांकन वापस लेना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कल नामांकन करने की अंतिम तारीख है। रानिया सीट की बात की जाए तो ये सीट रणजीत चौटाला की है। पिछले विधानसभा चुनाव में रणजीत चौटाला निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे और भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में रणजीत चौटाला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए और रानिया सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। किसान आंदोलन के चलते इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने एलानाबाद विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। एलानाबाद सीट पर उपचुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ बीजेपी ने गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को टिकट दिया था। वो एयर होस्टेज गीतिका सुसाइड केस में भी जेल जा चुके हैं, लेकिन गीतिका सुसाइड केस में 11 साल बाद उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है? अगर समझौता करती है तो बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे।